नगर निगम भिलाई के वार्ड 22 कुरूद में स्थित है। मां शीतला तालाब जिसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि निगम प्रशासन ने इस तालाब को उपेक्षित छोड़ रखा है, जिसकी वजह से इसका पानी किसी भी काम नहीं आ रहा है। साथ ही इससे ग्रामवासियों के भक्ति भावना को भी ठेस पहुँच रही। नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड 22 कुरूद बस्ती में स्थित है एक पावन शीतला तालाब। ऐसा मानना है कि प्रत्येक गांव में माँ शीतला के नाम से एक तालाब होता ही है, और जहां माँ शीतला का वास होता है वहां के जल से कई रोगों का इलाज भी संभव है। इसलिए ग्रामवासियों की आस्था भी शीतला तालाब पर अटूट रहती है। परंतु नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा इस शीतला तालाब को उपेक्षित छोड़ दिया गया है। ग्रामवासियों के कई बार गुहार लगाने के बाद भी इसका जीर्णोद्धार करने की किसी ने सुध नहीं ली। एक बार पुनः ग्रामवासियों ने अपनी बात मीडिया के माध्यम से निगम के सोए हुए अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस तालाब का पानी पूरी तरह दूषित हो चुका है, जो अब किसी काम नहीं आता, और इस परिसर में बने माँ शीतला के मंदिर में इस तालाब का जल भी नहीं चढ़ाया जा सकता। इन सब चीजों को देखते हुए ग्रामवासियों की आस्था पर बहुत चोट लग रही है। बार बार निगम प्रशासन से निवेदन करने के बाद भी यह स्थिति क्यों बनी हुई है, यह समझ से परे है। ग्रामवासियों ने अपनी पीड़ा ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष रखी। मोर नाम विनोद कुमार चतुर्वेदी है, कुरुद के सेनानी हूँ, क्रांति सेना के सेनानी आ रहा हूँ। शीतला तालाब में विगत वर्षों से कहे जाए तो पिछला 20 साल से जो जोन पार्षद बनी आज तक, वो मन हाँ बिल्कुल हमारे गांव के देव तालाब पर ध्यान नहीं दी से। आवाज कंडीशन ऐसे कि हमारे तरिया में आके हमन हाँ जल चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, हमन हाथ में पानी उठा नहीं सकन, ये स्थिति है। अब निगम वाले मन हाँ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमन कई बार जा गुहार लगा रहे हैं निगम में, लेकिन हर बार वही आश्वासन देते होगा 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 करके बस बोलते हैं। आज तक ऐसे कोई भी तरह के सफाई उफाई में ध्यान नहीं दे। अभी गए रहें पिछले बार तो जेसीबी देरी से चालू कर रही से पानी की निकासी पर, मतलब पानी खाली करके दूसरा पानी भरना है करके बोले रही सवाई, लेकिन ओकर बाद फिर वैसी करे कि आधा अधूरा काम छोड़ दे। अब अगर जाता है निगम के पास तो निगम बोलते कि ये ले माइसी में रखे लगे, तो ये मैं ये चीज़ पहली सोचना रही से। अब हमारे मन कर समय नहीं है बिल्कुल भी, तीन महीना का समय है, कर बाद बारिश के ये चालू हो जाते, दिन चालू हो जाते, तो पानी ला हमला साफ करना बहुत जरूरी है। और इसने गुहार लगा था ना, मन 10 बार जाके बोला था ना, अगर निगम नहीं सुनी तो हमन उग्र आंदोलन करबो जाके। एक लिए हम निगम वाले मन चेतावनी देथन, आयुक्त साहब ला भी बोला था, और निगम कर्मचारी वाले मन भी यहाँ बिल्कुल साफ सफाई में ध्यान नहीं दे। हमारे मन के बात नहीं सुने, हमारे पार्षद बने ओकरो बात नहीं सुने। कोई भी चीज़ कोई यार बाजार के कचरा हो या कोई भी यार के कचरा उठाए के बारे में बात करता ना, ओकरो पर हमारे मन के बात नहीं सुनाते। बोला थे कि आप वहाँ बात करो यहाँ बात करो, और यही सिचुएशन में अभी पानी के लेवल डाउन होते तब बारिश में बहुत दिक्कत, मतलब ये समय बहुत दिक्कत जाते गर्मी में, तो पानी के लेवल डाउन होते और यहाँ के जो बोरिंग मन है, बोरिंग मन के भी हर जगह की स्थिति खराब है। आए 2-3 दिन में बोरिंग टूटा थे, ओकरो बारे में ना बिल्कुल ध्यान नहीं देते, मतलब 10 बार बोले लगते तब जाके काम करते, तो यही स्थिति है निगम के। तो हमारा अनुरोध है कि हमारे जो वार्ड के पुराना 20 साल से जो स्थिति खराब हुए है वो सुधारे के कोशिश करें, नहीं तो हम उग्र से उग्र प्रदर्शन करबो। नाम थारू राम साहू, ग्राम क्रोध। हमारे गांव का जो शीतला तालाब है वो बहुत दिन से भाई गंदा पानी है, इसके साफ करने के लिए नगर निगम को हम लोग कई बार अपील किया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे गाँव का जो तालाब है उसको खाली करके उसे साफ किया जाए, यही निवेदन है। दीपक गुप्ता, यहाँ पर तालाब में एकदम पूरी गंदगी है, पड़ी हुई है, ना जानवर के लिए पानी है, ना इंसान के लिए है, ना नहाने धोने के लिए है। पूरा कुरुद यहाँ पर पूरा, और जो भी कार्य होता है मरने धरने का जो भी है, इनके लिए सुरक्षित पानी नहीं है तो क्या करेंगे बताइए आप लोग। अब कोई जनता सुनती नहीं है, साढ़ा पिते अंधे होके बैठे है हुए हैं, इसका क्या नतीजा निकल रहा है। हम लोग सब चुपतिया है गाँव वाले, ऐसे से काम नहीं चलेगा भैया। हमारी विनती है आपसे कि हमारा पूरा सहयोग करके हमारा कार्य को पूरा किया जाए। मैं अजय कुमार साहू और ग्राम कुरुद का रहने वाला हूँ। हाल ही में हम नवनिर्वाचित पार्षद हुए हैं, और ग्राम की समस्याओं को कई बार लेके हमने निगम तक किया है। हमारा मुख्य समस्या तो हमारे शीतला तालाब का है, जिसके लिए हम काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, और कई बार उनको 5 सालों से उनका अवगत करा रहे हैं कि तालाब का पानी बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर निगम का ध्यान नहीं गया है। जोन आयुक्त भी, उनको पूरी सूचना दिया गया है, आयुक्त को भी सूचना दिया गया है, और उनके द्वारा कार्य प्रारंभ भी किया गया था, लेकिन अब फिर इसलिए रोक दिया गया है कि इसको MIC का ये है बैठक में इसको रखना पड़ेगा करके। तो भाई हम तो ओनली अभी पानी की सफाई की बात कर रहे हैं, पानी की सफाई कर दे उसके बाद फिर जो भी है इसका सौंदर्यकरण का कार्य जो है बाद में होता रहेगा। इसके लिए कई बार हमने जाके उनको अवगत कराया, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है, और हमारे इस तालाब को अपेक्षित रखा गया है।
क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी तालाब का जो पानी गंदा है इससे? अब आप इसमें ऐसा है कि आज पानी जो है उपयोग करने लायक नहीं है। हमारा देव तालाब है, हमारा श्रद्धा है, यहाँ शीतला माता जी का मंदिर स्थापित है, यहाँ पे हर ग्रामीणों का इसमें स्नान करने का, स्नान करके अपने देवों को जल प्रदान करने का आस्था रखते हैं, लेकिन आज स्थिति ऐसा है कि पानी को हम छू भी नहीं सकते, ऐसे कंडीशन में है। उसके बावजूद भी नगर निगम कई सालों से इस तालाब को देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। निगम भिलाई स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत दीवार पर पेंट करवाना नहीं भूलता है, परंतु जिस दीवार पर यह इबारत लिखी हुई है वह तालाब ही इस इबारत को मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है। अब ऐसे में नगर पालिक निगम भिलाई की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान लगना लाजमी है। निगम प्रशासन को जल्द ही इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए इस समस्या के निवारण हेतु कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, अन्यथा ग्रामवासियों की आक्रोश का सामना भी आने वाले समय में निगम प्रशासन को करना पड़ सकता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।